सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नई वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट सिक्योरिटी ऐप अपडेट के बारे में। साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको गेम टर्बो का एक लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है 5.2। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, सभी फ़ोन के लिए इसको ग्लोबली जो रोल्ड आउट किया गया है, यानी कि आपको APK वगैरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपके फ़ोन के अपडेटर के अंदर ही इसका अपडेट आ जाएगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या अपडेट मिलता है। तो दोस्तों मेरे पास है Mi 11X, जिसके अंदर मैंने इसको अपडेट कर लिया है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप के अंदर देखें तो इसके अंदर आपको इतना कुछ खास चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो मेजरली चेंज किया गया है वो गेम टर्बो के अंदर किया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप के अंदर आपको कुछ भी ज़्यादातर अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। पर अगर आप यहाँ पर गेम टर्बो को भाई ओपन करेंगे तो इसके ऑडियो से लेके इसका जो इंटरफेस है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर इन लोगों ने चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 5.2 के अंदर जो इसका इंटरव्यू से वो देखने को मिलता है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको साउंड सुनाई देता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से भाई अगर आप गेम टर्बो को ओपन करेंगे तो भाई साहब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक बढ़िया सा भाई गेम टर्बो का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। एक नया UI यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई इस तरीके से आपके जो भी ऐप से उसको यहाँ पर आप स्क्रॉल करके जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऐड या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ऐप यहाँ पर रखना है, जैसे कि भाई स्नैपचैट हो गया, अमेज़ोन हो गया, उसके बाद ट्रूकॉलर हो गया, इसको डन कीजिए भाई, आपके ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फीचर्स है वो कुछ इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टली देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों के फ़ोन के अंदर वॉइस चेंजर का ऑप्शन अवेलेबल होगा, कुछ फ़ोन के अंदर ये अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ। तो अगर आपके फ़ोन के अंदर वॉइस चेंजर नहीं है तो भाई आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, आपको भी वॉइस चेंजर देखने को मिल जाएगा। पर अभी जो लेटेस्ट मॉडल रिलीज हुए हैं उन सभी के अंदर शायद ये फीचर आ चुका है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं PUBG या फिर दूसरे गेम्स के अंदर। अभी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ भाई इसको कैसे आपको अपने फ़ोन के अंदर इनेबल वगैरह करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। तो दोस्तों आपके पास अगर कोई ऐसा फ़ोन है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है या फिर आपने हाल ही में परचेस किया है जिसके अंदर लेटेस्ट MIUI का अपडेट है इंस्टॉल है, तो आपको सिंपली उस फ़ोन को भाई ओपन करना है, आपके सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर जाके चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑफिशियली सिक्योरिटी ऐप का एक अपडेट मिल जाएगा, तो उससे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर सिक्योरिटी ऐप का अपडेट नहीं आया है और आपके पास MIUI 12 या फिर MIUI 12.5 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मैं APK फाइल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके दोस्तों आपको APK फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। भाई मेरा फ़ोन जो है वो हैंग हो गया शायद, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने APK फाइल को डाउनलोड करके रखा है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों आपको अपने फ़ोन के अंदर इस APK फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन के अंदर अभी हमने गेम टर्बो को अपडेट कर लिया है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर आप यहाँ से गेम टर्बो को ओपन करेंगे तो भाई गेम टर्बो का जो UI है वो कुछ इस तरीके से Redmi Note 9 Pro के अंदर अपडेट होके आ गया है। तो यहाँ से हम कैंडी क्रश को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं गेम्स नहीं खेलता, तो यहाँ पर दो मैंने सिंपल के लिए गेम्स को डाउनलोड करके रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट UI यहाँ पर गेम टर्बो का अपडेट होके आ चुका है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बोला था कि कुछ फ़ोन के अंदर आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शायद उसके हार्डवेयर वो फीचर सपोर्ट नहीं करते, या तो आपको फ्यूचर के अंदर वो अपडेट ऑफिशियली देखने को मिलेगा। तो Redmi Note 9 Pro के अंदर दोस्तों मेरे पास अभी वॉइस चेंजर अवेलेबल नहीं है, पर अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं भाई Mi 11 Lite फ़ोन के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने इसको ऑफिशियली अपडेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं भाई, गेम टर्बो को ओपन कर लिया है। दोस्तों इन दोनों के UI के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका UI कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, यहाँ से सेटिंग वगैरह आता है। तो यहाँ पर भी हम जो कैंडी क्रश है उसको ओपन कर लेते हैं,
और यहाँ पर हम जैसे ही भाई स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट गेम टर्बो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो वॉइस चेंजर का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि कुछ फ़ोन के अंदर वॉइस चेंजर आपको मिलेगा, कुछ फ़ोन के अंदर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ़ोन के अंदर गेम टर्बो 5.2 को जो है वो इंस्टॉल कर सकते, अपडेट कर सकते। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक मारना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।